हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज त्रैमासिक परीक्षा हुआ है एमपी बोर्ड में हिंदी का, और यहां पर हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। वैसे बच्चों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करना। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ाता। और आप लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट किया है, मतलब मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरे चैनल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं यार, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, इसलिए मैं हिंदी का भी यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि जो बच्चे प्राइवेट में हैं, अदर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि कैसे एग्जाम आ रहा है। ओके, चलिए, बाहर बारिश हो रही है आज, ठीक है। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग भाई साहब, ये समाचार लेखन में ककार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था बच्चों, केशव प्रथम वीर ने। जिसने पेपर दिया है मिलाएंगे कितने अंक सही है। आहुत शब्द युग्म का अर्थ है, तो हवन सामग्री बुलाना, यहाँ पर तीसरा नंबर। अगला नंबर देखेंगे, चौथा नंबर, भक्तिन रचना है, बताओ कैसा है भक्तिन रचना, तो ये आपका संस्मरण रेखा चित्र है। व्यंगोक्ति, व्यंग चीजें आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगा, तो हास्य रस होगा, ठीक है। पाठ पुस्तक आरोह में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका है भाई निशा निमंत्रण, क्या निशा निमंत्रण। चलिए आगे देखते हैं आपके कितने सही है कितने गलत है, या आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। ओके बच्चों, चलिए, समाचार लेखन शैली है उल्टी पिरामिड शैली। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते समय रोज बिड़ला मंदिर जाने की नीति बनाई। लोग संयमी, क्या लिखते हैं बच्चों, लोग संयमी भी होते हैं। मेन निपात शब्द है भी, क्या है भी शब्द है। बाजार दर्शन का महत्वपूर्ण निबंध किसका निबंध है भैया, जैनेन्द्र कुमार का, किसका, जैनेन्द्र कुमार का। जब किसी काव्य की रचना में पद उपमान में उपमेय की अंगों का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, क्या होता है, रूपक होता है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कविता पतंग एकमात्र संग्रह से लिया गया है, आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, ठीक है। पतंग जो है आलोक धनवा के एकमात्र, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए बच्चों, ध्रत शब्द तद्भव शब्द है, बताइए क्या ध्रत तद्भव है, तो गलत है, ये आपका तत्सम है इसलिए गलत है ना। यहाँ पे सौंदल गेकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, यहाँ पर इसको आप लोगों को थोड़ा सा बताना है कि अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि जो आपका ये रौद्र रस है ना, ये पहला तो आपका असत्य है, क्लियर है ना, ठीक है बच्चों, पहला असत्य है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा नंबर, ये भी असत्य है, समाचार पत्र संपादन करने वाला संपादक कहलाता है, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव, ये भी असत्य है, बाकी के बाकी आपके सत्य हो सकते हैं। तो लगभग आपका बच्चों तीनों क्लियर है ना, ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है, ये धर्म भारती ये भी सत्य है, अच्छा पढ़ाते थे ये भी सत्य है, इसको आप देख लेना ये भी सत्य होगा, तो 3 असत्य 3 सत्य। ओके, चीजें क्लियर इतना। इसके बाद आगे देखिए, सही जोड़ी मिलान करना है। परचेसिंग पावर मतलब होता है यहाँ पर क्रय शक्ति, ठीक है, ये देखो आप लोग देख सकते हैं, ये क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, ठीक। इसमें भ्रम दूर नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है, संदेह अलंकार होगा। आनंद यादव का मन तड़पता था तो वो विद्यालय जाने के लिए, कहीं पे ऑप्शन होगा देखिएगा, पाठशाला जाने के लिए, यहाँ पे पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, कहाँ जाने के लिए, पाठशाला। गागर में सागर, गागर में सागर मतलब कम शब्दों में अपनी बात रखनी। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। स्थूल में सूक्ष्म का विद्रोह बताना है आपको, स्थूल में सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक, ये आपका छायावाद है, कहीं पे है ऑप्शन, हाँ, स्थूल में सूक्ष्म का विद्रोह, ये आपका छायावाद है। रेडियो आपका एक रेखी माध्यम है, कहीं पे है, हाँ, एक रेखी माध्यम, ठीक है, क्लियर हो गया ना सबका। परचेसिंग पावर क्रय शक्ति, ये आपका संदेह अलंकार, ये विद्यालय जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। गागर में सागर बनना मतलब कम शब्द में अधिक कहना, परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, किशन दा का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है, किशन दा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे, कृष्णानंद पांडे।
प्रादेशिक समाचार आप बता दो, दैनिक भास्कर पत्रिका चलता है हमारे मध्य प्रदेश में। दो, बच्चे किसके प्रत्याशा में होंगे, माता के, किसके माता के। रायमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता तभी हो सकता है जब खरीदारों की आवश्यकता पूरा करने की ही बाजार की सार्थकता होती है। मतलब खरीदार जो खरीदना चाहे उसकी आवश्यकता पूरा कर सके, वही सार्थकता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध नाटककार सम्राट भारतेंदु हरिश्चंद्र, कोई एक भी लिखना है भाई साहब, कोई एक लिख दो। भारतेंदु अंधेर नगरी, ठीक है, या भारत दूरदर्शन, भारत दूरदर्शन के नाटक का नाम। पवन का दो पर्यायवाची बताना है, पवन का वायु समीर हवा, और इसके बाद आपका अग्नि के दो आपको बताने हैं। तो अग्नि का क्या हो जाएगा बताओ? अनल, है ना, दहन, ज्वाला। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड से या अदर स्टेट बोर्ड से जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देखते चले। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ओके बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिल्वर बेडिंग की मुख्य समस्या क्या है। बालक अनंदा के पिता किन शर्तों का विद्यालय जाने दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप देख लो। भक्ति काल का वर्गीकरण, छायावाद की दो विशेषताएं, कैमरे बंद में अपाहिज, भाषा की सहूलियत बरतने का क्या अभिप्राय है, स्थायी भाव संचारी भाव में दो अंतर, रौद्रस में दो अंतर, ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो अपन ने ये कोशिश किया था बच्चों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, सोल्यूशन, ठीक। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, महादेवर, धर्मवीर भारती, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग संदर्भ प्रसंग, ऐसे क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर प्रचार को एक आवेदन पत्र आया था पुस्तकालय से, विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन करने की पुस्तकें लेने ही लिए, ठीक। ये आपका आ गया था 150 शब्द में 4 अंक का। तो इस प्रकार से आपके हिंदी का पेपर हुआ बच्चों। आप लोग प्लीज तैयार कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम में इसका सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम से कोचिंग क्लासेस के नाम से होगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।